हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल सीखा की रसोई में। आज मैं आपके साथ मशरूम मसाला करी का वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने 3 पैकेट फ्रेश मशरूम लिया हुआ है। इसको हम गर्म पानी से अच्छी तरह से धोएंगे। गर्म पानी से धोने से इसके ऊपर की सारी गंदगी निकल जाती है। देखिए, इसे हमें रगड़ रगड़ के अच्छी तरह से धो देना है। मशरूम अच्छी तरह से धुल गया है। अब इसे हम अपने मनचाहे आकार में कट कर लेंगे। आप किसी भी आकार में कट कर सकते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें सरसों का तेल डाला है। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें 2 तेज पत्ता, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 4 हरी इलायची, 5 से 6 लौंग, आधा चम्मच जीरा, इन सबको डालकर हम इसका तड़का लगाएंगे। अब मैंने 4 बड़े साइज के प्याज बारीक कट कर लिए थे, उसे हम डालकर अच्छी तरह से हल्की आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। प्याज को पकने के लिए मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। प्याज को हम हल्की आंच पर ही भुनेंगे। तेज आंच पर प्याज ऊपर से तो लाल हो जाता है लेकिन अंदर नहीं पकता है। हल्की आंच पे भूनने से प्याज अंदर और बाहर अच्छी तरह से पक जाता है। देखिए, प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भून गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच बेसन डालकर हम अच्छी तरह से सभी मसालों को भून लेंगे। मसाले के साथ बेसन भी अच्छी तरह से भून गया है। अब हम इसमें 3 मीडियम साइज के टमाटर, जिसकी मैंने प्यूरी बना ली है, उसको डालकर मसाले के साथ अच्छी तरह से पकाएंगे। मसाला और टमाटर अच्छी तरह से पक गया है। देखिए, सारे मसाले इकट्ठे हो गए हैं और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें 1 शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ डाल देंगे और 3 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप तीखा ज़्यादा ना खाते हो तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इसे हम मसाले में अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम इसमें कटे हुए मशरूम डाल देंगे। मशरूम को डालने के बाद हम गैस को धीमा कर देंगे और इसे हम धीमी आंच पर पकाएंगे। इसमें हम अलग से पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम मशरूम से जो पानी रिलीज होगा उसी से हम ग्रेवी तैयार करेंगे। इसे हम हल्की आंच पर ढककर धीरे धीरे पकाएंगे। देखिए, मशरूम ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसे हम ढककर हल्की आंच पर धीरे धीरे पकाएंगे। देखिए, मशरूम ने कितना पानी छोड़ा है। इसे हमारी ग्रेवी काफी थिक तैयार हुई है और मशरूम भी अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। गरम मसाला बाद में डालने से सब्जी का स्वाद दोगुना हो जाता है। देखिए, हमारी सब्जी कितनी अच्छी तैयार हुई है। इसका कलर भी काफी अच्छा आया है। अगर आपको ग्रेवी पतली चाहिए तो आप इसमें ऊपर से गरम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसमें धनिया की पत्ती और थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से रगड़ कर डाल देंगे। सब्जी हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।